जय हिंद छात्रों, मैं आज क्लास 11th के आप लोग को समांग एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन बताने जा रहा हूं। तो रिलेशन फंक्शन के बारे में हम पहले जानेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। चैप्टर का नाम है रिलेशन फंक्शन यानी चैप्टर 2, याद रखिएगा आप लोग। 2 में हम लोग को पढ़ना है समांग एवं फलन। तो सबसे पहला आता है इसमें संबंध, संबंध यानी रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे रिलेशन क्या होता है। रिलेशन के मतलब होता है संबंध, जैसे कि आप लोगों को मेरे से रिलेशन है, ठीक है। आप छात्र हैं तो हम आपका शिक्षक हैं, तो आपका संबंध मेरे से होगा, ठीक। उसी तरह डिजिट का एक दूसरे से संबंध होता है। जैसे मान लीजिए कि ए है इधर, यहां बी है, तो इसमें जितने एलिमेंट्स हो गए, मान लीजिए ये आपको हो गया, इसमें मान लीजिए कि आपका ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, द 1, 2, 3 हुआ, तो इसका संबंध इससे है, 1 से है, बी का संबंध 2 से है, और सी का संबंध 3 से है। एक दूसरे का संबंध, और संबंध को हम लोग जानेंगे ए रिलेशन बी ए से। जैसे हम किसी भी इंसान से, जानवर से प्रेम करते हैं, तो हमको उससे रिलेशन हो गया, वो हमसे रिलेशन कर ली, तो जो रिलेशन हुआ उसी को बीच को हम लोग कहते हैं संबंध, रिलेशनशिप कुछ लोग बोल देते हैं उसको, रिलेशनशिप। और देखेंगे बाबू, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको इस प्रकार दे दिया, यदि x+2, y+2, ठीक है, बराबर 8, 6 है, तो x और y का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये आपको बता रहे, पहले थ्योरी आपको बता रहे, ठीक ना, ध्यान से देखिएगा, थ्योरी चल रहा है 2.1 का, 2.1 का थ्योरी चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होता है कि x+2 हुआ, तो इसका रिलेशन किससे है, 8 से है, इसका रिलेशन किससे, 8 से है, तो यहां पर 8 लिख देंगे, ठीक है। अब y+2 है, तो y+2 का रिलेशन किससे है, 6 से, तो यहां पर 6 लिख देंगे। इस प्रकार यहां सब निकालेंगे, x का मान, तो x बराबर हो गया 8 - 2, यानी x बराबर हो गया 6, ठीक है। अब यहां आइएगा, तो y बराबर दे दिया 6 - 2, तो y का मान हो गया 4। इस प्रकार हम इसका रिलेशन यानी x मान और y का मान निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको जो मिलेगा 2.2 में, तो बना दीजिएगा, ठीक। अब इससे देखिए अगला टाइप, यदि वीडियो आपको कम क्वालिटी के दिखाई दे तो अपने यूट्यूब जो देख रहे हैं उस पर 3.2 पर जाकर क्वालिटी बढ़ा लें और आराम से पढ़ें। अब देखिए कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, यदि p बराबर दिया 1, 2, 3, ठीक है, और q बराबर दिया 1, 2, ठीक है, तो P रिलेशन Q या Q रिलेशन P ज्ञात करें, ठीक है। तब देखिएगा P के जो मान दिया यहां पर लिख दीजिए, 1, 2, 3 है, ठीक है, और Q का मान जो दिया आपका 1, 2 दिया है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन निकालेंगे P रिलेशन Q जब निकालेंगे तो ये आपका हो गया
यहाँ पी का मान रखेंगे 1, 2, 3 ठीक है, और तो यहाँ फिर क्यू का मान रखेंगे 1, 2 ठीक है। अब देखिए इसका रिलेशन एक से कर दीजिए एक बार, एक एक एक, फिर इसी का रिलेशन दो से कर दीजिए, दो एक दो हो गया, फिर दो का रिलेशन एक से कीजिए, ये हो गया 2, 1, दो का रिलेशन दो से कीजिए, 2, 2 ठीक है, और फिर तीन से रिलेशन एक से, तो 3, 1, 3, 1 और 3, 2 ये आपका हो गया इसका रिलेशन, पी रिलेशन क्यू को मान कर लिया। अब देखिए क्यू रिलेशन पी निकालना होगा, इसको लिखिएगा पहले क्यू का जो मान है 1, 2 और पी के मान यहां रख दीजिए 1, 2, 3 जब इसके रिलेशन के लिए ऐसे इसके लिए 1, 1, 1, 2 और फिर देखिए हो गया 1, 3 फिर देखिए 2, 1, 2, 2 और 2, 3 इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे इजी तरीका से आपको हम बता रहे हैं, कम इजी तरीका से है रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए ठीक है। तो अब आएंगे हम लोग थोड़ा सा अगले एग्जांपल पर, अब देखिए बाबू अगले एग्जांपल पर एक और देख लीजिए क्वेश्चन। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, यदि एक्स प्लस 2 बटा में 2 वाई प्लस 2 बटा में 3 इसको तो दे दिया 3/2 यहां पे 4/3 तो इसका ही करिए इसका रिलेशन क्या होगा एक्स वाई का, तो x तथा y का मान मान ज्ञात करें ठीक है। अब देखिए अब इसका रिलेशन किससे, इससे है, इसका रिलेशन किससे, इससे है। तो जिसको जो रिलेशन है, मान लीजिए कोई का रिलेशन हो, मान लीजिए कि हम उससे करते हैं, अब समझिए होंगे आप क्या करते हैं, हम तो बच्चा नहीं है तो हम उसको लेकर भागेंगे ना, हम दूसरे रख लेके भाग जाएंगे लाके का पिटाने चकले चकले। मेरे मान लीजिए कि मेरे मैडम वहां बैठी है, तो हम अपने मैडम को लेकर भागेंगे, ये नहीं कि हम दूसरे को मैडम लेकर चलेंगे, दूसरा वाला मैडम को उठाएगा ससुराल को लाके पिटने। तो हम जिसको जिस डिजिट को हम देखेंगे उसी डिजिट को हम लोग उठाएंगे, तो इससे सामने ठीक ये डिजिट है, इससे सामने ठीक ये डिजिट, इसको हम उठाएंगे। तो अब देखिए ये हमारा है, तो ये हो गया एक्स प्लस 2 और बटा में 2 इक्वल टू दे दिया आपका 3/2। अब यहां आ गया वाई बटा प्लस बटा 3 ये होगा वाई बाई 4/3 और इसको हल कर दीजिए, इसको हल कर देते तो यहां पर 2x और प्लस 2 × 4 यहां हो गया 3 × 6 ठीक है, इसको भी हल कीजिए तो 3y 3 × 6 बराबर 4 × 12 और इसको लिखेंगे तो 2x इक्वल टू 6 − 4 तो एक्स 2x बराबर लिखे यहाँ पर 2 तो एक्स बराबर हो गया 2/2 कट गई, x मान हो गया 1 इधर आएगा तो ये हो गया 3y बराबर 12 − 6 तो हो गया 3y बराबर हो गया ये आपका हो गया 6 तो y बराबर हो गया 6/3 तो कट गया y मान हो गया 2। इस पर हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 का रिलेशन फंक्शन का 3 बता दिए। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रश्न जो हमारा बुक में दिए हुए ठीक है, समझ में आता होगा एकदम, आता होगा मुझे विश्वास है। और मेरा वीडियो लगता है आप लोगों के सामने यूट्यूब पर आएगी, इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी बजा दीजिएगा, तो हमेशा नए नए वीडियो आते रहेंगे। और इस वक्त बहुत एक चर्चित लड़का जिसका नाम आयांश है, उसको आप लोग मदद कीजिए, थोड़ा सा प्रेरित कीजिए, क्योंकि वो लड़का को 16 करोड़ का सुई लेना है, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप उसको डोनेट कीजिए, मदद कीजिए ठीक है। अब देखिए बाबू प्रश्न 2.1 में एक्सरसाइज, अब आपका चैप्टर का 2.1 चल रहा है ठीक ना। तो पहला प्रश्न दिया है आपका कि यदि
एक्स बटन तीन प्लस वन वाई माइनस टू बटा थ्री, ठीक है। तो दिया है पांच बटा थ्री वाई बटा थ्री, तो एक्स तथा वाई का मान निकालना है, ठीक है। ठीक, अभी आपको तुरंत बताया है, इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। तो x बटा थ्री प्लस वन यही हो गया पांच बटा थ्री, ठीक है। अब इसका रिलेशन इससे करेंगे, ये इसको लेकर भागेगा तो y माइनस टू बटा थ्री, ठीक है ना, ये हो गया एक बटा थ्री। अब देखिए, अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे लोग, इसके कुछ नीचे देखो जाएगा तो ये आपका थ्री हुआ, तो एक्स प्लस थ्री हुआ, ये हुआ पांच बटा थ्री। तो इसको हम चाहेंगे तो ये कटा सकते हैं नीचे से, आधा गुणा भी करो निकाल सकते हैं, तो एक्स प्लस तीन बराबर पांच, तो ये हो गया एक्स बराबर पांच माइनस थ्री, तो एक्स बराबर टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो कि नीचे एक है, तो इसके लिए एलसीएम होगा तीन, तो थ्री वाई आया टू बराबर एक बटा तीन हुआ, तो थ्री वाई बराबर टू, तीन तीन कटा दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया आपका वन, तो थ्री वाई बराबर हो गया वन प्लस टू, यानी थ्री वाई बराबर हो गया थ्री, तो वाई बराबर हो गया थ्री बटा में थ्री, कट के वाई का मान हो गया कितना वन। इस प्रकार का पहला क्वेश्चन आंसर हम बना चुके हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, यदि समुच्चय ए में तीन अवयव है तथा समुच्चय बी बराबर तीन चार पांच, तो ए रिलेशन बी, ठीक ना, ए रिलेशन बी में अवयव की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको बनाना है तो देखिए ए में कितने अवयव है, ए में थ्री अवयव है, थ्री अवयव है, यानी एन ए में कितने अवयव मिल गए आपको थ्री। फिर देखिए बी में कितने अवयव है, बी में आपको ये मिल गया थ्री फोर फाइव, इसका एन बी बराबर भी हो गया कितना का थ्री, देखिए एक दो थ्री थ्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए रिलेशन भी पूछ रहे ना, तो लिखेंगे ए रिलेशन बी, तो हो गया आपका थ्री इंटू थ्री, थ्री गुणे थ्री इज इक्वल टू कितना नाइन, यानी आपका नाइन आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। और देखिए तीसरा क्वेश्चन, ओके, अब देखिए तीन नंबर, यदि जी बराबर दिया है आपका सात आठ, ठीक है, और एच पांच चार दो, तो जी रिलेशन एच, ठीक है, और एच रिलेशन जी ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, पर हकीकत कह रहा है ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिएगा, ज्ञात कीजिए। अब आप देखो तुम्हारे पास ए मिल गया बी मिल गया, ठीक है, ए मिल गया यानी कि ए यानी जी मिल गया एच मिल गया, तो हम लोग पहले यहां जी और एच के मान लिख देंगे,
लिखा हुआ है जी का मान 7-8 और एच का मान देखिए बाबू लिखा है 5-4-2। तो हम लोग का निकालना है जी रिलेशन एच, यानी जी का रिलेशन किससे है, एच से है। तो लिखेंगे जी का मान यहां रखते हैं पहले 7-8 और यहां पर फिर रखते हैं रिलेशन एच का, ठीक है। अब जैसा बताया आपको थ्योरी में ठीक उसी तरह बना, ठीक है, 7-5 हो जाए 75 और 774-72, ठीक है, और 85-84 देखिए कितना हुआ 82 बन गया। ये आपका पहला, देखिए इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, इससे हो गया, तो यानी 7 से आपको कर दिए 75-74-72 फिर 85-84 और 82। तो ये आपका रिलेशन निकल गया बाबू जी रिलेशन एच का। अब हम निकालेंगे एच रिलेशन जी का। एच का मान पर रखिए 5-4-2, ठीक है, और यहां रखिए जी का, जी का जो है 7-8। अब इसको आप लीजिए हो जाएगा 57 यानी 5-7 फिर देखिए 5-8, ठीक है, फिर देखिए 47 फिर कितना 48, ठीक है, और देखिए 27 फिर 28, इस प्रकार का बन गया। तो इसी के साथ आपका भाग वन हम स्टॉप करते हैं और भाग टू हम लोग देखेंगे में, जिसमें आपको मिलेगा 4 से लगभग 10 क्वेश्चन उसमें बने रहेंगे, कंप्लीट कर दिया जाएगा 4 से लेकर 10 तक बन जाएगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।